जब कोई आईपीएस बनता है तो उनकी इच्छा होती है कि उनसे जब लोग मिलने आए या फिर जब भी उनका सत्कार करें तो उन्हें शाल, श्रीफल, पुष्प गुच्छ देकर उन्हें नवाजा जाए। पर महाराष्ट्र में एक आईपीएस ऐसे भी है जिन्हें इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए बल्कि कुछ और ही चीज चाहिए, और उन आईपीएस का नाम है समीर असलम शेख। तो चलिए देखते हैं क्या चाहिए उन्हें। गढ़चिरौली जिले के अपर पुलिस अधीक्षक समीर असलम शेख आईपीएस, इन्हें सातारा का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति के बाद उन्होंने एक प्रेस नोट निकाला है और सातारा के नागरिकों, राजनीतिक, प्रशासनिक और उनके करीबी रिश्तेदारों से एक खुला अनुरोध किया कि कृपया मेरे सत्कार के लिए शॉल, श्रीफल, नारियल या मिठाई या फिर उपहार के साथ न आए। इसके बजाय कृपया एमपीएससी, तलाठी, ग्राम सेवक, पुलिस भर्ती प्रतियोगी परीक्षा की किताबें लाए ताकि मैं उन किताबों को गढ़चिरौली जिले के जरूरतमंद बच्चों को बांट सकूं। एक आईपीएस का ऐसा रूप और बच्चों की सेवा का ऐसा हौसला देखकर कई लोगों ने उनके इस जज्बे को और उनके इस विचार की सराहना की है। ब्यूरो रिपोर्ट, केसरी उजाला न्यूज, नागपुर।